हरिपुर में बनने वाले बस अड्डे के लिए देहरा के विधायक होशियार सिंह ने सरकार से 2.50 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए हैं। वहीं जहां ये बस अड्डा बनना है, वहां 40 सालों से मौजूद खोखा धारकों ने विधायक के कहने पर निर्विरोध रूप से सरकारी जमीन को खाली कर दिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब अवैध कब्जा धारकों ने शांति से अपनी दुकानें हटाई हैं। विधायक के आश्वासन से यहां के खोखा धारक बहुत खुश दिखे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं विधायक ने बस अड्डे से प्रभावित हुए खोखा धारकों को फौरी राहत के तौर पर 5-5 हजार रुपए के चेक बांटे। वहीं उन्होंने इस मामले पर राजनीति कर रहे लोगों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे इन लोगों के दुख दर्द में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि वे देहरा के विकास के लिए हरदम उचित कदम उठाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब भी बस अड्डा तैयार होगा तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उन्हें दुकानें दी जाएंगी जिन्होंने बिना विरोध सरकारी जमीन से दुकानें या खोखे खाली किए हैं। विधायक होशियार सिंह ने कहा कि वे सभी लोगों का दर्द समझते हैं, इसलिए काम में हर पक्ष का ध्यान रखा गया है। इस मौके पर आरएम कुशल, नायब तहसील राजेंद्र कुमार, एसएचओ सुशील, एएसआई गुरदेव व एचआरटीसी के कई कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। हरिपुर के मेरे भाई जो यहाँ पर दुकानें करते थे, आज इनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। जो कुर्बानियां इन्होंने दी है आज हरिपुर के लिए, हरिपुर की उन्नति के लिए, हरिपुर के डेवलपमेंट के लिए, तो मैं आज दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूं, इनको बधाई देता हूं कि जो इन्होंने आज कार्य किया है हमारे इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए। इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता है। जो इन्होंने बढ़ करके अपने आप आगे बढ़े और अपने आप इन्होंने जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी राजनीति मकसद से इन्होंने जो आज काम किया है, मैं सही माने में कहूंगा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जब हमने सड़क का कार्य लगाया उस वक्त भी सभी लोगों ने खुल करके साथ दिया और जमीनें दे दी, और सड़क आज जो एक सिंगल छोटी सड़क थी वो डबल हो गई। उसी तरह जब मैं एमएलए बना उसके बाद सबसे पहले घोषणा यहाँ बस अड्डे की हुई थी, सबसे पहले घोषणा हुई थी। आज 2.5 साल हो गए उस बात को, और ये जमीन भी जो है उनके नाम ट्रांसफर हुई, और ये जो दुकानें थी हमने दुकान चलाने वाले भाइयों से वायदा किया कि जैसे अड्डा बनेगा, और ये भी आपसे कह दूं कि 1 साल के अंदर ये बस अड्डा बनेगा और जो यहाँ 25-40 दुकानें बनेगी तो सबसे पहले मेरे इन भाइयों को दुकानें मिलेगी जो आज ये दुकानें छोड़ रहे, दिल पे पत्थर रख करके दुकानें खाली कर रहे। सबसे पहले दुकानें इन लोगों को मिलेगी, जब भी ऑक्शन होगी सबसे पहले दुकानें इन भाइयों को मिलेगी जो हमने इनके साथ वायदा किया है। इनको हमने कहा है कि आप निश्चिंत हो जाए, ज्यादा समय की बात नहीं है, सिर्फ 1 वर्ष की बात है और 1 वर्ष देखते देखते खत्म हो जाएगा। यदि आज ये दुकानें खाली नहीं करते तो इस 31 तारीख को हमारा प्रपोजल हमारी कैंसिल हो जानी थी, और जो हमें 2.5 करोड़ रुपया इस बस अड्डे के लिए जो मिलना था वो हमारा कैंसिल हो जाना था, टेंडर भी कैंसिल हो जाना था, और हमारी पूरे हरिपुर के लिए एक धब्बा हो जाना था कि इतना पैसा आने के बाद भी ये पैसा जो है कैंसिल हो गया और इसके बाद अड्डा भी नहीं बनना था। तो हमें भी दुख है, आज इनकी रोजगारी, इनके हर चीज इनके ऊपर निर्भर है, परिवार इन पे निर्भर है। लेकिन मैं कम्मी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, कम्मी भाई किधर आए कि नहीं आए, कम्मी ने भी जो आज हमें सहायता दी कि उन्होंने जमीन दी दुकान के लिए, और बाकी भी दुकानदारों को हमने कहा कि आप कहीं भी रेडी लगा लो, आसपास आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप अपना कारोबार कर सकते हैं जब तक बस अड्डा ना बने। थोड़ी सी है कि 5-4 फुट आगे पीछे होना है, 5-4 फुट आगे पीछे हो जाओ। मैं अपनी ओर से जितने भी दुकानदार भाई है मेरे सभी को 5-5 हजार की फौरी राहत दे रहा हूँ, और अभी दे रहा हूँ, इसी वक्त दे रहा हूँ सभी को। ये ना समझे कोई कि हमने इनकी दुकानों को उखाड़ दिया, पर ये समझे कि हमने आने वाले समय में 1 साल में इनको पक्की दुकानें देने का वायदा किया, और ये एक अच्छी स्वच्छ दुकानें मिलेगी इनको और इनको राहत मिलेगी। कई लोग यहाँ पे राजनीति करने के लिए भी आ गए, चुंगा दिया दे, पड़का दे कि ओ जी रुको, बत तोड़ो, हम बैठेंगे, हम गिरफ्तारी देंगे। उन लोगों को भी मैं चेतावनी देता हूँ
कि हरिपुर के डेवलपमेंट के में बाधा ना बने। यदि बाधा बने तो सबसे बड़ी दुश्मनी मेरे से होगी, उसकी दावत डायरेक्ट होगी। मेरी चुप्पी को वो कमजोरी ना समझे कोई भी। आज सभी को बोल रहा हूं मैं यहाँ कि कोई भी अगर बाधा बनने की कोशिश करेगा उसको मैं नहीं बख्शूंगा। आज भाईचारे से हमारे लोग चुपचाप दुकानें खाली कर रहे हैं, उनको चुंगे दे रहे हैं आप। तो उन लोगों को चेतावनी देता हूं कि अपने आप को आप संभाल लो, आज भी लास्ट मौका है, इसके बाद मौका नहीं दूंगा। सीधे जुतियां फेरूंगा सिर पे, 100 की और 1 की गिनती करूंगा खुलेआम। जो करना है कर ले, जिसने जो करना है। तो मेरे भाइयों के साथ आज इतने प्यार से भाईचारों से ये खाली कर रहे हैं, तो उनको भी चुंगे दे रहे हैं कि मत करो खाली, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इतने अच्छे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेरे भाइयों का धन्यवाद है कि इतने समझदार है, इतने उच्च विचारधारा के ये लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप अपनी दुकानें खाली कर दी। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा हिमाचल में। इनको दाद देनी चाहिए, इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि इन्होंने बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने आप दुकानें खाली कर दी, सिर्फ हरिपुर के लिए, हरिपुर की डेवलपमेंट के लिए, हरिपुर की उन्नति के लिए। और मैं इनसे वायदा करता हूं कि ये अड्डा 1 साल के अंदर अंदर मैं खड़ा करूंगा और 1 साल के अंदर तुम्हारे को दुकानें फेर दूंगा और बढ़िया दुकानें दूंगा आप लोगों को, सभी लोगों को। आज दिहाड़ी खत्म हुई है, 2 दिहाड़ी आपको सुविधा मिलेगी। तो कुकलू भाई नाम आपने भरने भाई मेरे तरफ से, ला बंटी भाई आ गया। चले साहब मेरे भाई कौन कौन है जो आ जा भाई, ना तो अपना पढ़ना ठीक है भाई जी, एक एक तरीके साहब तो गया ना ना ऐसे नहीं। वो दुकानदार सब्जी वाले कहाँ गए? एक सब्जी वाले का एक को ही है।